हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है प्रथम प्रश्न पर चल रहा है, तो ये अध्याय 6 यानी तत्वों के निष्कर्षण का भाग नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप उसको देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें। ठीक है, अगर उसको देखने के बाद इसको देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आज के इस भाग 2 में आपको क्या बताएंगे, अब इससे हम टॉपिक पे बात करेंगे आज। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि टाइमिंग क्या है, टाइमिंग नोट कर लीजिए आप अपने। ठीक है, जो केमिस्ट्री का टाइम है हाँ, वो कब चलता है, वो शाम को 8 से 9 के बीच में चलाया जाता है। ठीक है, तो अपने टाइम पे आकर एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि क्या है, धातु कर्म के चरण। अब धातु कर्म के चरण को पढ़ने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि धातु कर्म क्या होता है। तो इसके बारे में हम पहले वीडियो में, इसके पहले पार्ट में बता चुके हैं, आप उसको अच्छे से देख लिए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो उसके चरण कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके से हम उसको धातु कर्म कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बताएंगे। तो देखिए, धातु कर्म निम्नलिखित पदों में किया जाता है, कौन कौन से हैं, इधर देखिए सामने आपको बता रहे हैं। पहला क्या है, अयस्क को पीसना, ठीक, ये बताएंगे हम आपको। और दूसरा क्या है, अयस्क का सांद्रण, ये बताएंगे, ठीक। और ये क्या है, तीसरा क्या है, निस्तापन, ठीक, ये हो गया निस्तापन। और चौथा क्या है, भर्जन, ये भर्जन क्या होता है। ये क्या है, पांचवा है प्रगलन, ठीक है, उसके बाद होता है आपका शोधन, ठीक है। तो इतने प्रकार से हम, इतने धातु कर्म जितने हैं ये इतने प्रकार से हम उसको करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको बारी बारी से हम सबके बारे में एकदम डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। तो देखिए पहला क्या है, अयस्क को पीसना, तो पहले हम ये देखेंगे, ठीक है, अयस्क को पीसना, तो कैसे पीसेंगे पहले ये देखते हैं। तो हम पहला काम करेंगे अयस्क को पीसने का। तो देखिए क्या है इसमें, अयस्क को पीसना, ठीक है, पहला है, तो अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, ठीक है, किसमें पीसते हैं, क्रशर मिल, एक मशीन होता है, तो क्रशर मिल में डाल देते हैं और क्या करते हैं, डाल देते हैं जहां यह पीस जाता है, ठीक है। और इसका चूड़ मतलब चूरन, ठीक है, इसका चूर्ण बन जाता है, किसका, अयस्क जो होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ देते हैं, फिर तोड़ने के बाद उसको क्रशर मिल में डाल देते हैं जहां यह क्या होता है, पीस जाता है, ठीक है, इसका चूड़ बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, आगे देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा है अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क का सांद्रण कैसे होगा ये समझिए, तो अयस्क का सांद्रण समझिए क्या है, अयस्क का सांद्रण है, अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित विधियों से होता है, ठीक है, निम्नलिखित विधि द्वारा होता है, कौन कौन सी विधि द्वारा है, तो देखिए ये दूसरा है अयस्क का सांद्रण, ये दूसरे का क्या है, फर्स्ट है, तो इसको देखिए कितने तरीके से करेंगे। तो पहला है फेन प्लवन विधि, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, तुरंत नोट कीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको नोट करिए, फेन प्लवन विधि। अगर आपको बोल देगा तत्वों का निष्कर्षण, ये आपको पूछ सकता है, ऐसे कैसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, ये आपके 3 नंबर में पूछेगा, अगर पूछना होगा तो 3 नंबर में पूछेगा, कैसे कहेगा कि फेन प्लवन विधि क्या होती है, ठीक। तो इसमें हम आपको एकदम बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए क्या कह रहा है, पहले हम इसके नोटेशन को पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक। आगे देखिए, इस विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ठीक, कौन से अयस्कों का, सल्फाइड अयस्कों का। आगे देखिए, इसमें एक बड़ा टैंक होता है, क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें अयस्कों का क्या करते हैं, चूड़ डालकर, जब क्रशर मिल में पीसेंगे तो चूड़ बन जाएगा, तो वही जो चूड़ बना होता है उसको डालकर जल से भर देते हैं, ठीक है। थोड़ी
मात्रा में चीड़ का तेल डाल देते हैं और पोटेशियम एथिल जैंथेट, ये ध्यान रखिएगा, पोटेशियम आपका जो मेन टॉपिक है ये, पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं, ठीक है, और वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो धूल मिट्टी आदि के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेंदी पर बैठ जाते हैं, ठीक है, और शुद्ध अयस्क फेन या झाग कर सकते हैं, जो झाग बनता है उसमें वो झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, जो शुद्ध अयस्क होता है वो झाग झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, जिसे हम छिद्रित चम्मचों से निकाल लेते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में छन्नी कहते होंगे, ठीक है, छन्नी जानते हैं ना, चाय छानने वाला, तो ऐसे ही एक छिद्रित चम्मच होता है, उसकी तरह उसकी सहायता से हम इसको निकाल लेते हैं। समझ में आ गया, इधर देखिए आपको दिखाई दे, तो छिद्रित चम्मचों से निकाल लेते हैं, समझ में आ गया ना, ध्यान से देखिए, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब देखिए हम इसको समझा दिए लिख के, अब इसको हम फिगर द्वारा समझाएंगे, ठीक है, तो देखिए फिगर में कैसे करेंगे, तो आप फिगर समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्लियर है, चलिए तो स्टार्ट करते फिगर इसका, देखते क्या है फेन प्लवन विधि का। तो इसमें क्या बताया जा रहा था फेन प्लवन में, कि एक बड़ा सा टैंक होता है, ठीक। अब चलिए पहले हम टैंक बना देते हैं, तो बाय द वे मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, एक टैंक हो गया, ये आपका क्या होगा, एक ये आपका एक हो गया टैंक, ये एक बड़ा सा टैंक हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब इसमें अयस्क को चूड़ को डालते हैं, ठीक है, जिसमें अयस्क डालने के बाद क्या होता है, थोड़ी मात्रा चीड़ का तेल डालते हैं, ठीक है, तो देखिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए पानी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक, और क्या है, यहां से वायु प्रवाहित करेंगे, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक बड़ा सा टैंक, ठीक है, और इसमें सल्फाइड अयस्क है। अब यहां से हम वायु की तेज धारा, पहले यहां देखिए क्या, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका जल में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं, किसमें, चीड़ का तेल, ठीक है, तो देखिए इसमें लिख सकते हैं हम जो मिश्रण है आपका, देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो जल में भी है, ठीक, वाटर प्लस और क्या हो जाएगा, एथिल जैंथेट है और क्या है, पोटेशियम एथिल जैंथेट दोनों, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एथिल, ठीक, एथिल जैंथेट, पोटेशियम एथिल जैंथेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम एथिल एथिल जैंथेट, तो इसका मिश्रण हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से वायु की तेज धारा हम प्रवाहित करेंगे, ये क्या है, चूड़ अयस्क है, सल्फाइड चूड़ अयस्क है, ठीक है, इसमें से वायु की तेज धारा हम प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, तो ये जो ये शुद्ध अयस्क होता है ये क्या होगा, ये झाग के ऊपर में, झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया शुद्ध, शुद्ध क्या हो गया, ये आपका शुद्ध अयस्क था ऊपर आ गया, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, अब इसको चम्मच से छिद्र चम्मच द्वारा इसको छान लेंगे, इस प्रकार हम इसको फेन प्लवन विधि से तत्वों का निष्कर्षण कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो इसको यहां लिख सकते हैं, ये कौन सा विधि है, ये हो गया आपका फेन प्लवन विधि, प्लवन फेन प्लवन विधि, ये कौन सी विधि है, फेन प्लवन विधि, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं, सेकंड क्या है उसको समझते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, सेकंड है, ठीक है, अभी फेन प्लवन था, अब आ गया गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको समझिए, भी बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, तो पहले इसको समझते हैं। इस विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनका घनत्व अधिक होता है, ठीक, इसमें क्या करते हैं,
पीसा हुआ जो अयस्क होता है, पीसे हुए अयस्क को जल की तेज धारा में गिराया जाता है, तो क्या होता है, तो धूल मिट्टी आदि के जो कण होते हैं वो पानी की धारा में बह जाते हैं, जबकि अयस्क पेंदी में बैठ जाता है। यह विधि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती क्या है। पहले क्या करेंगे, इस विधि में हम जो अयस्कों का, इसमें अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो जिनका घनत्व अधिक होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, पीसे हुए अयस्क को हम जल की तेज धारा में, ठीक है, पीसे जो अयस्क होते हैं उसके जल की तेज धारा में गिराते हैं, ठीक है, गिराया जाता है, तो धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वह पानी की तेज धारा के साथ क्या हो जाता है, बह जाते हैं, और जो शुद्ध अयस्क होते हैं वो पेंदी में बैठ जाते हैं। इस प्रकार हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो आपको दो हमने बता दिया, ठीक है, अब देखिए अगला मेथड क्या है, अब देखिए तीसरा मेथड क्या है, इसको समझिए। ये क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक, ये भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आपके, ठीक है, तो आप इसको अच्छे समझिएगा थोड़ा सा, और समझ में आ जाए तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा आप पढ़ेंगे अपना जो लिखे रहेंगे तो आपको एकदम बेस्ट समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो देखिए क्या होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसमें देखते हैं, इस विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थों का सांद्रण किया जाता है, जिसमें चुंबक का गुण पाया जाता, चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो क्या है, चुंबकीय पदार्थों का सांद्रण किया जाता है। इसमें दो चुंबकीय पुलिया होती हैं, ठीक, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, इसमें दो चुंबकीय पुलिया होती है जिन्हें बेंट द्वारा घुमाते रहते हैं, ठीक, ऊपर से पीसे हुए अयस्क को गिराते हैं, जो पीसा हुआ अयस्क रहता है उसके ऊपर गिराते हैं, तो चुंबकीय अयस्क पुली के नीचे ढेरियों के रूप में एकत्र हो जाता है, जबकि धूल मिट्टी आदि के कण दूर छिटक जाते हैं। तो चलिए हम इसको फिगर द्वारा समझते हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इसको पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिगर देखिए, ठीक। चलिए देखिए फिगर में हम इसको कैसे अच्छे से खोल देते एकदम। तो क्या बोला है उसमें, पहले बोला है कि इस विधि में हम चुंबकीय पदार्थों का सांद्रण किया जाता है, ठीक, करते हैं, इसमें दो चुंबकीय पुलिया होती है। चलिए भैया अब हम पुलिया बना देते हैं आपके सामने, जो कहेगा बस वही करेंगे, समझ जाइए, और ज्यादा अपने मन से नहीं करना है, ठीक। एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, ठीक, ये दो चुंबकीय पुलिया हो गए। अब क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, बेल्ट तो ये हो जाएगा बेल्ट, पट्टा देखे हैं आप, जानते होंगे, आपको पता होगा, जिसके घर मशीन होगा अभी पुराना वाला उसमें पट्टा लगता है, ठीक है, तो ये बेल्ट कहते इसको, ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या होता है, ऊपर से हम चूड़ित अयस्क को गिराते हैं, यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां से हम चूड़ित अयस्क को गिराते हैं, तो क्या होता है, अभी बोला गया कि पुलिया लगी होती जिन्हें बेल्ट द्वारा, ठीक है, बेल्ट द्वारा क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं, उसको घुमाते रहते हैं, तो जो पीसे हुए अयस्क को गिराते हैं, ठीक, तो चुंबकीय अयस्क पुली के नीचे एकत्रित होता है। चलिए भैया इसको घुमाएंगे, जब अगर यहां से बाय द वे आपका देखिए, ध्यान देखिए, यहां से आपका अगर अयस्क डाला जा रहा है, चूड़ित अयस्क जो है, ठीक, अगर ये इस पे गिर रहा है, ठीक, और जिसमें चुंबकीय गुण होगा, जिसमें चुंबकत्व का गुण होगा, वो क्या होंगे, वो यहां से आएंगे तो जरूर, ठीक है, तो जो धूल कण होंगे वो इधर चले जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये दूर उड़ जाएंगे, ठीक, इस प्रकार, लेकिन जिसमें चुंबकीय गुण होगा वो क्या होंगे, वो इधर से आएंगे, धीरे इसके सहायता से आएंगे और यहां एकत्रित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, ये यहां पे एकत्रित हो जाएंगे, ठीक, तो इस प्रकार यहां पे जो जिसमें चुंबकीय गुण होगा वो यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, बाकी धूल कण जो होते हैं, धूल कण अन्य कण जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो छिटक जाएंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे,
गुरु चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम उसका अयस्क का क्या करेंगे, सांद्रण कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम इसका नाम लिख देते हैं, ऐसे रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं ओरेडस्ट, ठीक, और इसको क्या कहते हैं, बेल्ट, ये जो है, ठीक है। और देखिए ये इसका नाम हो गया, ठीक। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रोलर, ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक रोलर। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा तत्वों का अयस्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो, तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमने आपको फेन प्लवन विधि बता दिया एकदम फिगर द्वारा, और क्या था, और चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है ये बता दिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है और हम उसको आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए तीसरा हेडिंग क्या है इसमें, इसमें तीसरा हेडिंग है निस्तापन, ठीक है। निस्तापन क्या होता है, कैल्सिनेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलती है इसको समझते हैं, निस्तापन होता क्या है। सांद्रित अयस्क को, जो सांद्रित अयस्क होता है, ठीक है, अभी पीसीवी अयस्क की बात हो रहा था, अब सांद्रित अयस्क की बात हो रहा है क्योंकि पढ़ चुके हम। अब देखिए सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु न हो वहां पे, ठीक, जो सांद्रित अयस्क है उसको क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे, ठीक है, उसके गलनांक के नीचे से ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। एक बार समझिए हमारी बात को, क्या कहते हैं, जो सांद्रित अयस्क होता है, ठीक, उसकी वायु की अनुपस्थिति में, उसमें वायु मतलब वो क्या होता है, वहां पे वायु उपस्थित न हो, ठीक, उसके गलनांक, गलनांक का मतलब कि ताप तो हो, टेम्परेचर पर्याप्त रहे, लेकिन उसको उसका इतना टेम्परेचर रहे कि वो गल जाए, ठीक है, उसके गलनांक के नीचे गलने ना पाए, ठीक है, ठीक, उसके गलनांक से, उसके गलनांक, इसको काट देते हैं, ठीक है, उसके गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है। तो उसका ताप इतना होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर इतना लो होना चाहिए कि वो गले ना, ठीक है, हीट हो बरोबर लेकिन गले ना, गलनांक के नीचे ही रहे, ठीक है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी निस्तापन कहलाती है। कितना सिंपल है ना, आप अपने दिमाग से एक बार सोचिए, अगर समझ जाते हैं तो आपको इसमें पढ़ना कुछ है नहीं और रटना भी नहीं पड़ेगा कि क्या करते हैं, आप समझ अच्छे से, तो उसको वायु नहीं रहेगा, अपने भाषा में कैसे याद करते हैं, वायु नहीं रहेगा, ठीक, और गलने भी ना पाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन। अपने भाषा में अगर आप केमिस्ट्री भाषा में बोलेंगे तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे पर गर्म करने का प्रक्रिया जो होता है वो क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। समझ में आ रही बात। आगे देखिए क्या है, निस्तापन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, निस्तापन का जो, निस्तापन के बाद क्या होता है, वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, ठीक है, जो वाष्पशील अशुद्धि होती है वो निस्तापन के पश्चात क्या होती है, दूर हो जाती है। तो निस्तापन का काम ये होता है। चलिए अब क्या है, अब हम एक एग्जांपल आपके सामने बता देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो क्या लेंगे, ठीक है, देखिए Fe2O3, ठीक, और क्या हो जाएगा, और जगह पर X H2O, एक्स क्यों लिए हैं ये आप समझते हैं, एग्जांपल है तो इसको देखते हैं क्या बनेगा, ठीक। Fe, ध्यान से देखिएगा, Fe2O3 ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा X+XH2O, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्साइड है तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, Zn, ठीक है, CO3, ZnCO3, तो इसको क्या करेंगे, इसका हो जाएगा ZnO3 है, एक इनके साथ ले लेंगे, ZnO हो गए। अब कितना बचा है, वो दूठे बचा है, ठीक, तो प्लस क्या करेंगे, CO2,
कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए तो ये दो एग्जांपल आपके लिए बहुत है, पर्याप्त है, आप इसको अच्छे समझ लिए। तो चलिए, अगर जिसको वीडियो अच्छा लगता है वो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताएं, ताकि उसके लिए एक अगला पार्ट हम जल्द से जल्द उसको प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।